एवरीवन, आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्जी। उड़ीसा में इस सब्जी को हम कुंदरू कहते हैं और अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह से टिंडेल कहते हैं, कहीं टिंडोल कहते हैं। तो चलिए इस सब्जी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और फिर इसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल को गरम होने देंगे अच्छी तरह से और इसमें फिर मैं डाल दूंगी राई और राई के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। इन्हें हम एक मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी रेड चिलीज़ और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑनियन और गार्लिक। तो इन्हें हम पकाएंगे अच्छी तरह से। और प्याज और लहसुन को इस समय हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट एक मिनट के लिए आप हल्का सा इन्हें फ्राई करेंगे और ज़्यादा फ्राई इसे नहीं करना है। जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा मैं इसमें कटे हुए कुंदरू डाल दूंगी और कुंदरू को ऐसे एक पीस कुंदरू को हमें फोर पार्ट्स में करना है। तो बस इसे डाल के इसी समय मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी ताकि ये जल्दी से पक जाएं। तो प्याज को कभी भी कुंदरू बनाते वक्त पहले से ज़्यादा ना पकाएं, ये कुंदरू के साथ ही साथ बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। तो मैं अब इसे ढक कर पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आइए खोलकर चेक कर लेते हैं। तो इस समय हमारी कुंदरू आधा से ज़्यादा पक जाती है और आपको आँच मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। फिर से मैं इसे एक बार चलाया और बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर 5 मिनट मैंने इसे पकने दिया और 5 मिनट बाद खोल के देखते हैं। तो इस समय कुंदरू हमारी बहुत अच्छी तरह से पक जाए रहती है। तो कुंदरू जब पूरी अच्छी तरह से पके, मैं इसमें डाल रही हूँ अब धनिया पाउडर। थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर डालेंगे, जैसे ये 250 ग्राम कुंदरू था तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया था। एक बार मैं इसे मिक्स कर लूँगी और फिर अगर आपको चाहिए तो आप रेड चिली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्राई डाली थी। आपकी चॉइस से आप डालें चाहे ना डालें। तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली डाल के फिर से एक बार मिक्स कर दूँगी और इसके बाद फिर से हमें 2-3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि जो हमने ड्राई मसाले इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से इस खुशबू कुंदरू में चली जाए। तो आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही प्यारी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ज़रूर इस सब्जी को एक बार घर पे बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।